घर के अंदर करंट लगने से आदमी की मौत हो जाती है। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया जाता है। मेहुल घर के नौकर से पूछताछ करता है तो नौकर बताता है कि मालिक एक बड़े से टब में आइस वाटर बाथ के लिए रेडी हो रहे थे, तभी अचानक ऊपर लगा बिजली का तार टब के पानी में गिर गया। मालिक ने जैसे ही पैर अंदर डाला उन्हें करंट लग गया और उनकी डेथ हो गई। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि नौकर झूठ बोल रहा है। वॉच कलर में क्या आप समझ पाए मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि नौकर झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। वाटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन प्योर वाटर। अगर वाटर में गंदगी या पार्टिकल्स है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन कोल्ड वाटर में पार्टिकल मूवमेंट मिनिमल होते हैं तो वो बैड कंडक्टर बन जाता है। वही हॉट वाटर पार्टिकल मूवमेंट ज्यादा होने की वजह से गुड कंडक्टर बन सकता है। अब वो कोल्ड आइस वाटर था तो मालिक को करंट कैसे लग सकता है, वही मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चोर गैंग का खबरी शहर में ट्रैवल करके पता करता है कि कौन कौन से घर में आसानी से चोरी की जा सकती है। एक दिन वो खबरी चोर गैंग को तीन इमेजेस सेंड करता है। चोर गैंग का लीडर तीनों इमेजेस को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि कौन से घर में चोरी नहीं करनी चाहिए। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन तीनों फोटो को देख के बता सकते हैं कौन से घर में चोरी नहीं करनी चाहिए? सोचिए सोचिए। दूसरे वाले घर के बाहर एक डॉग चेन लगी हुई है, इसका मतलब इस घर में डॉग है, इसलिए चोर गैंग इस घर में चोरी करने नहीं आएंगी क्योंकि डॉग भी बड़ा डेंजर और बड़ा दिख रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। गणेश ने 35 साल की एज में सब इंस्पेक्टर का टेस्ट क्वालिफाई करके पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लिया। दो दिन बाद डिस्ट्रिक्ट DSP पुलिस थाने में गणेश को बधाई देने के लिए आता है। उन्होंने कभी भी गणेश को देखा नहीं था। वहाँ पे लगभग 35 साल की एज वाले तीन सब इंस्पेक्टर खड़े थे। अब DSP कंफ्यूज हो जाता है कि इन तीनों में से गणेश कौन हो सकता है, लेकिन DSP तो DSP है, वो समझ जाता है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी, DSP ने कैसे समझ लिया कि तीनों में से कौन गणेश है? क्या सोचा होगा DSP ने? सोचिए सोचिए। पुलिस में आने के लिए फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ता है। गणेश ने दो दिन पहले ही पुलिस फोर्स ज्वाइन किया है, इसका मतलब उसकी फिटनेस टेस्ट अभी रिसेंट में हुई होगी। और इन तीनों सब इंस्पेक्टर में से केवल दूसरा आदमी ही फिट लग रहा है, मतलब वही गणेश होगा, बाकी दोनों के तो पेट निकले हुए हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। नरेश, महेश और सुरेश तीनों लोग अलग अलग जगह घूमने जाते हैं, मनाली, कश्मीर और राजस्थान। तीनों टूर पे जाने के पहले एक एक सेल्फी लेते हैं और फिर तीनों अलग अलग ट्रेन पकड़कर निकल जाते हैं। एक महीने बाद तीनों वापस लौटते हैं और फिर दोबारा से एक एक सेल्फी लेते हैं। अब किसी को नहीं पता कौन कहां गया था, तो लॉजिकल आर्मी, क्या आप जाने से पहले और बाद की सेल्फी देख के बता सकते हैं कि कौन राजस्थान गया होगा? नरेश, महेश या सुरेश? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। नरेश थोड़ा सा टैंड लग रहा है। अब मनाली और कश्मीर में तो ठंडी होती है और टैनिंग सिर्फ गर्म जगहों पे होती है। अब इन तीनों में सिर्फ राजस्थानी गर्म होता है, मतलब नरेश राजस्थान गया होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक पुलिस ऑफिसर बहुत दिनों बाद अपने घर पे आता है, लेकिन जब वो घर का दरवाजा खोलता है तो अंदर तीन लेडीज थी। तीनों की हाइट एक जैसी, तीनों का वेट भी एक जैसा और तीनों ने सर पे दुपट्टा ओढ़ के रखा था। पुलिस ऑफिसर कंफ्यूज हो जाता है कि तीनों में से उसकी बीवी कौन सी है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप तीनों को ध्यान से ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि पुलिसमैन की बीवी कौन हो सकती है? सोचिए सोचिए। सामने दीवार पर पुलिस ऑफिसर और उसकी वाइफ की एक बड़ी सी फोटो लगी हुई है, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर की वाइफ ने राइट हैंड में एक धागा पहन रखा है और तीनों लेडीज में से ये सेकेंड लेडी ने वैसा ही सेम धागा पहना हुआ है, मतलब यही उस पुलिस ऑफिसर की वाइफ होगी। पुलिस ऑफिसर ये समझ जाता है। लॉजिकल आर्मी, पुलिस ऑफिसर के ऐसे डिटेक्टिव माइंड के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कृष्णा स्कूल का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा था। एक दिन स्कूल में एक नया टीचर आता है और कृष्णा का IQ लेवल टेस्ट करने के लिए उसे एक सवाल पूछता है। ZAON कौन सा ऑड वन आउट है? लॉजिकल आर्मी, कृष्णा तो सोच में पड़ जाता है, लेकिन क्या आप सोच के बता सकते हैं ZAON ऐसे कौन सा ऑड वन आउट है? सोचिए सोचिए। ओ को छोड़कर बाकी तीनों अल्फाबेट तीन लाइन से क्रिएट होते हैं, लेकिन ओ में कोई लाइंस नहीं होती है, इसलिए वो ऑड वन आउट है। कृष्णा फटाक से इसका जवाब दे देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल को खबर मिलती है कि शहर में टेररिस्ट आ गए हैं।
मेहुल तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। मेहुल का कबरी मेहुल को बताता है कि सामने वाले तीन घरों में से किसी एक घर में टेररिस्ट छुपा हुआ है। मेहुल तीनों घरों को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि टेररिस्ट कौन से घर में छुपा हुआ है। लॉजिकल आर्मी, लेकिन क्या आप समझ पाए? सोचिए, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ध्यान से देखिए, दूसरे घर की बालकनी पर एक लेडी हेयर ड्रायर से बाल सुखा रही है और हेयर ड्रायर का वायर बाहर लटका हुआ है। मेहुल पुलिस की हेल्प से वहां सर्च करता है और टेररिस्ट को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस का एक बहुत ही खास कबरी था जो एक चौराहे पर पान की दुकान चलाता था। वो हमेशा पुलिस को सीक्रेट तरीके से इन्फॉर्मेशन दिया करता था। एक दिन पुलिस को पता चलता है कि उस चौराहे पर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल धमाका सिंह को देखा गया है। चौराहे पर एक बस, एक कार और एक ट्रक खड़ी हुई थी। पुलिस अपनी खबरी के पास जाती है जो एक एक करके पुलिस को तीन चीजें देता है। सबसे पहले वो पुलिस को एक ब्लैक पेन देता है, फिर वो पुलिस को एक अम्ब्रेला देता है और फिर वो पुलिस को शुगर देता है। अब इन तीनों में क्लू छुपा हुआ है कि चोर कहाँ छुपा हुआ है, ट्रक में, बस में या कार में। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ब्लैक पेन का बी, अम्ब्रेला का यू और शुगर का एस, तो वो हो जाएगा बस। तो वो खबरी पुलिस को बता रहा था कि धमाका सिंह बस में छुपा हुआ है। पुलिस धीरे धीरे बस के पास जाती है। धमाका सिंह पुलिस को देख लेता है और खिड़की से कूद के वहां से भाग जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। शिवम पुलिस को बताता है कि वो अपने पांच दोस्तों के साथ जा रहा था, तभी पीछे से कार आई और उन्हें टक्कर मार दी और ड्राइवर वहां पे कार छोड़ के भाग गया। पुलिस तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाती है। शिवम, मुझे ठीक से बताओ कि क्या हुआ। तो शिवम पुलिस को बताता है कि हम पांचों दोस्त हाथ पकड़कर एक साथ यहाँ पे ऐसे जा रहे थे, तभी पीछे से कार आई और हम पांचों को मार दी। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि शिवम झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आर्मी, पुलिस को ये कैसे समझ जाता है? सोचिए सोचिए। अब शिवम और उसके पांच दोस्त मतलब छह लोग हो गए। अगर वो हाथ पकड़ के चल रहे हैं तो उन्हें काफी स्पेस लगेगी। अब कार पीछे से आके छह को एक साथ कैसे मार सकती है? दो या तीन को मारेगी। मतलब शिवम की ये बनाई हुई स्टोरी गलत है, उसमें कुछ तो गड़बड़ है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। टीचर ने वेदा को पांच बॉल दिए जिसपे नंबर्स लिखे हुए थे 8, 5, 6, 1, 4। किन्हीं तीन नंबर को प्लस करके 22 होना चाहिए, ये चैलेंज टीचर ने वेदा को दे दिया। अब इन तीन नंबर्स को ऐड करके 22 कैसे होगा, वेदा सोच में पड़ जाती है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी, इन पांचों बॉल में से ऐसे कौन से तीन बॉल ले सकते हैं जिनका सम 22 हो जाए? सोचिए सोचिए। ये बॉल्स है तो इन्हें घुमा भी सकते हैं। अगर मैं 6 वाली बॉल को घुमा दूं तो वो 9 हो जाएगा और 9 + 5 + 8 हो जाएगा 22। वेदा ने ये सॉल्व कर लिया, तो वेदा के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बरसात की रात थी और पुलिस एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल का पीछा कर रही थी। क्रिमिनल जंगल में छुप जाता है। पुलिस जंगल में सर्च ऑपरेशन करती है तो पुलिस को एक जगह क्रिमिनल के शूज के निशान मिलते हैं। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं क्रिमिनल कहां पर छुपा हुआ है? ध्यान से पूरे सीन को ऑब्जर्व कीजिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पीछे वाले झाड़ी के पत्ते देखिए, ये पत्ते बाकी पत्तियों से अलग है और इतने बड़े क्यों है और ये हल्के से हिल भी रहे हैं। पुलिस उन पत्तों को हटा के देखती है तो वहां पे वो क्रिमिनल छुपा हुआ था। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक चोर गैंग रात में चोरी करती थी और दिन में अपने टारगेट का पता करती थी। चोर गैंग का एक आदमी कॉलोनी के तीन घरों को ध्यान से देखता है और अपने लीडर को टारगेट हाउस के बारे में बता देता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं चोर रात में तीनों में से कौन से घर में चोरी करने का टारगेट कर रहे हैं? सोचिए सोचिए। लेकिन तीसरे घर की महिला ने बहुत सारी ज्वेलरी पहन रखी है, इसका मतलब इस घर में ज्यादा ज्वेलरी होगी, तो चोर गैंग ऑब्वियस इसी घर को अपना टारगेट बनाएंगे। तो क्या आप समझ पाए थे? चलिए अगली पहेली देखते हैं। शॉपिंग मॉल से ये वाला टी शर्ट चोरी हो गया है। डिटेक्टिव मेहुल भी वहीं शॉपिंग कर रहा था। वो तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। वो चोरी के पहले और बाद की सीसीटीवी फुटेजेस देखता है और तुरंत समझ जाता है कि चोरी किसने की। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन दोनों फुटेजेस को देख के बता सकते हैं चोरी किसने की होगी? अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए।
इन दोनों फुटेजेस को ध्यान से देखिए। लड़का चोरी के पहले सिर्फ एक शर्ट पहना हुआ था, लेकिन अभी शर्ट के अंदर उसने एक टी शर्ट भी पहना हुआ है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब इसी ने चोरी की है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। लॉजिकल आर्मी आपके डिटेक्टिव आईक्यू को इम्प्रूव करने के लिए आ गया है डिटेक्टिव आईक्यू गेम। इसमें मैंने 1000 से भी ज्यादा लेवल्स बनाए हैं आपके आईक्यू को इम्प्रूव करने के लिए, तो जल्दी से गेम डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। इन तीनों लेडीज को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए तीनों में कौन शादीशुदा है, ए बी या सी। अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।